Hello class 11 students, welcome to today's online class. And in today's online class we are going to understand and discuss the topic motion in connected bodies. We have studied about the motion in connected bodies when we studied about two bodies like this were connected with the thread, wire, string. तो हमने देखा था जब इसके ऊपर किसी एक में फोर्स लग रहा, एफ फोर्स लग रहा, तो इसमें टेंशन क्रिएट होता था, तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे. हम इसमें क्या करते थे कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के जितने फोर्सेस हैं उसको इक्वेट करते थे, और वर्टिकल फोर्सेस तो हम लोग देखते थे क्या होता था. फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग देखते थे वर्टिकल, जैसे पहला बॉडी है दूसरा बॉडी, ठीक, तो दूसरा बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम में क्या हो रहा है, दूसरे बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम में एक फोर्स इधर लग रहा है F और इधर टेंशन फोर्स लग रहा है T. ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हो गए, और वर्टिकल फोर्सेस में इधर लगता था W जो कि होता था M into G के बराबर, और नॉर्मल फोर्स बराबर उसी के होता था. ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देते थे, और ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो होते थे उसके कारण कोई एक्सेलरेशन मिलता था. हॉरिजॉन्टल फोर्स जब एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाते थे, जो बच जाता था वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता था. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन. दोस क्वेश्चंस वर आल्सो मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज स्पेशली ऑफ पुली अरेंजमेंट. स्पेशली ऑफ पुली अरेंजमेंट. ये पुली क्या होता है? ये पुली असल में हमने देखा होगा कुछ, आजकल तो आप शायद ये ना देख पाते हो, मगर कुएं में जब पानी निकालना रहता था, कुएं से जब हम पुराने जमाने में या पहले अभी भी कुछ कुएं में होता है पानी निकालना रहता है, सम देयर काइंड ऑफ वी कॉल इट इन आवर लैंग्वेज घिर्री, या फिर वी कैन से चरखी. सो दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड पुली अरेंजमेंट. इट लुक्स लाइक सर्कल, सर्कुलर डिस्क जिसके अराउंड कोई रस्सी यू लटकते रहती थी. यहां से वेट रहता था और यहां से फोर्स लगाया जाता था, तो ये इसका एक्सेलरेशन ऊपर होता था. दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड पुली एंड स्ट्रिंग अरेंजमेंट. दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड पुली एंड स्ट्रिंग अरेंजमेंट. ओके, इसका खुद का एक वेट होगा जो कि होगा एम इंटू जी के बराबर. अगर आपको ये वेट के बारे में कुछ डाउट है that how this weight is going to be m into g, so you have to revise with the help of previous videos. Iske bare mein maine pehle video mein bataya tha ki kaise weight hota hai, wo downward direction mein kaam karta hai towards the center of the earth, and its value is to be m into g. Jitna iska mass hai usme acceleration due to gravity multiply kar do to iska weight nikal jata hai. Weight is a force, its unit is newton. Aur hum jo force lagayenge is pulley ke through, wo isko ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा जब इसमें ये फोर्स लगेगा. तो जब इस फोर्स लगेगा तब इस स्ट्रिंग में क्या होने वाला है, टेंशन क्रिएट होगा टी. तो इस ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बना के देखेंगे, तो फ्री बॉडी डायग्राम में डब्लू नीचे काम करेगा, टेंशन टी ऊपर काम करेगा, इन दोनों के बीच लड़ाई होगी, जो जीतेगा उस तरफ एक्सेलरेशन होगा. अगर टेंशन ज्यादा है तो एक्सेलरेशन ऊपर, अगर वेट ज्यादा है तो एक्सेलरेशन नीचे, और दोनों बराबर है तो वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में. सो लेट अस स्टार्ट वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड सॉरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक व्हिच इज मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज पुली अरेंजमेंट. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक यू हैव टू गो थ्रू द प्रीवियस वीडियो इन विच आई हैव described about, in which we have discussed about equilibrium and concurrent forces. इससे पहले वाले वीडियो में हमने equilibrium और concurrent forces के बारे में देखा था और free body diagram को अच्छे से discuss किया था. आपको वो आना चाहिए तभी आज का topic आपको समझ में आएगा. So let us start this today's topic. So in today's topic, which is motion of connected bodies, let us take an example and directly go towards the एक्सप्रेशन ऑफ इट. क्या फॉर्मूला बनता है इस पे हम डायरेक्ट कूद जाते हैं और समझते हैं कि एक अरेंजमेंट दिया हुआ है जिसमें एक पुली दी हुई है, और दो ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है. मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी पढ़ रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट
दो ब्लॉक समझ लेते हैं, ब्लॉक वन और ब्लॉक टू, जिसमें से ब्लॉक वन जो है स्मॉल m मास का है, तो उसका वेट कितना हुआ, स्मॉल m इंटू जी, और दूसरा ब्लॉक है, बड़ा ब्लॉक है जो कैपिटल m मास का है और उसका वेट हुआ कैपिटल m इंटू जी। इस अरेंजमेंट को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, कौन सा ऑब्जेक्ट नीचे। ये तो अरेंजमेंट से समझ में आ गया होगा कि बड़ा जो ऑब्जेक्ट है, जो भारी ऑब्जेक्ट होगा, जो ज्यादा वेट का होगा, वो नीचे जाएगा। तो एक्सेलरेशन ए सेकेंड ऑब्जेक्ट का होगा और एक्सेलरेशन ए छोटे ऑब्जेक्ट का ऊपर के डायरेक्शन में होगा। जितने एक्सेलरेशन से बड़ा ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, उतने ही एक्सेलरेशन से छोटा ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा। देखो ये क्या बात हो रही, मैंने यहां बोला कि जितने एक्सेलरेशन से बड़ा ऑब्जेक्ट, यही अरेंजमेंट को मैं यहां पे दिखा रहा हूं। लेट अस लुक एट दैट। मैं स्टॉप शेयर करता हूं, लुक एट हियर, यही अरेंजमेंट को फिर से मैं यहां दिखा रहा हूं। यही अरेंजमेंट को हम यहां पे देख रहे हैं, क्या अरेंजमेंट है, एक पुली है और इस पुली से कनेक्टेड है एक स्ट्रिंग जिसका एक एंड और दूसरा एंड मास से कनेक्टेड है। ठीक, इसका मास है कैपिटल एम, इसका मास है स्मॉल एम, का मास कैपिटल एम, एक का मास स्मॉल एम। ठीक, तो वेट कितना हुआ जी, वेट हुआ डब्लू इज इक्वल टू, मान लो डब्लू वन एम इंटू जी, और इसका वेट हुआ डब्लू टू स्मॉल एम इंटू जी। ठीक, अब ऑब्वियस सी बात है, जिसका वेट ज्यादा होगा वो नीचे जाएगा, है ना, नीचे जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा ए का, अब ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर भी जाना है, अरे एक ही वायर से, एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, जितने एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा उतने ही एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा। एक और खास बात होगी, इस वायर इस स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट होगा, तनाव पैदा होगा। वो जो तनाव पैदा होगा, क्योंकि ये पहली बार हमने देखा था, क्योंकि वायर एक ही है, एक ही स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एक ही है ना, एक ही स्ट्रिंग से दोनों कनेक्टेड है, तो वो टेंशन जो होगा वो बराबर होगा, इस तरफ भी टी, इस तरफ भी टी, टेंशन टी विल बी इक्वल ऑन द सेम वायर, एज वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम वायर। यहाँ पे ऐसा नहीं कि इधर में सर टेंशन टी अलग होगा, उधर में टेंशन टी अलग होगा, टी वन टी टू, ऐसा नहीं लेना है, सेम वायर है, सेम स्ट्रिंग है, टेंशन विल बी सेम। सो नाउ लेट अस गो टू द टुवर्ड्स द डेरिवेशन और समथिंग रिलेटेड टू इट, एक्सप्रेशन देखते हैं इसके बारे में। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखे, दो मासेस हैं m और स्मॉल m आर कनेक्टेड टू एंड्स इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पासेस ओवर द स्मूथ फ्रिक्शनलेस पुली। हाँ भाई, इसका पुली का फ्रिक्शन हमने नेग्लिजिबल मान लिया है, बहुत ही कम है। ठीक, एक्सेलरेशन ए क्रिएट हो रहा है, टेंशन टी क्रिएट हो रहा है। फ्री बॉडी डायग्राम पहले बॉडी का देखते हैं, जो भारी बॉडी है, ज्यादा वेट का बॉडी है या ज्यादा मास का है, उसमें नीचे m इंटू जी वेट क्रिएट हो रहा, टेंशन टी ऊपर क्रिएट हो रहा। अब देखते हैं इसमें एक्सेलरेशन क्योंकि नीचे के डायरेक्शन में हो रहा है। अरे देखिए, पहला वाला जो बॉडी है उसमें एक्सेलरेशन नीचे क्रिएट हो रहा, नीचे क्रिएट हो रहा है मतलब वेट ज्यादा है, टेंशन कम है, वेट ज्यादा है, टेंशन कम है, ये मान सकते हैं। जो फोर्स ज्यादा होगा उसी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो एम जी माइनस टी, एक इधर खींच रहा, एक इधर खींच रहा, किधर जाएगा ये ऑब्जेक्ट, देखो एक इधर खींच रहा और एक इधर खींच रहा, किधर जाएगा, जो ज्यादा जोर से खींच रहा। तो चलो एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम इंटू ए, कैपिटल एम इंटू ए। देखो एम जी नीचे, टी ऊपर, तो एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है क्योंकि एम जी ज्यादा हो गया, समझ लो टेंशन कम रह गया। टेंशन क्यों क्रिएट हो रहा था, अगली बार देखते हैं, मतलब अभी देखेंगे। तो एम जी माइनस टी, क्योंकि बड़ा है, वेट ज्यादा है, तभी तो उस तरफ एक्सेलरेशन हो रहा, तो एम जी माइनस टी बचा हुआ क्या है, एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा, बचा हुआ जो है फोर्स वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, कितना, एम इंटू ए एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है और वो फोर्स एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये मास इंटू एक्सेलरेशन वो फोर्स एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने में यूज हो गया। क्या ये बात समझ में आई, अगर ये बात समझ नहीं आई तो पिछले वीडियो से आपको समझना पड़ेगा। दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक टेंशन ऊपर, एक एम जी वेट नीचे,
एक्सलरेशन जा रहा है नीचे के डायरेक्शन में, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम इंटू ए, ये लिख देना है हमको, ये लिख देना है एम जी नीचे टेंशन ऊपर, ये इसे नीचे ले जा रहा, नीचे ले जा रहा तो एम इंटू ए फोर्स उसमें जा रहा है। ठीक, ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम को मोशन से रिलेटेड। सेकंड का देखते हैं, सेकंड का फ्री बॉडी डायग्राम, एक ब्लॉक लिए स्मॉल एम इंटू जी, वेट हो गया टेंशन टी ऊपर, अब यहां पे टेंशन ज्यादा होगी, यहां पे टेंशन ज्यादा होगी वेट के हिसाब से, क्यों, क्योंकि उससे ही कनेक्टेड है एक भारी ऑब्जेक्ट, एक हैवियर ऑब्जेक्ट, और उसमें टेंशन ज्यादा दे रहा है इसके वेट के कंपैरिजन में, तो वेट के कंपैरिजन में जब टेंशन ज्यादा हुआ, टेंशन ऊपर काम कर रहा है वेट नीचे, तो टेंशन ज्यादा होने के कारण एक्सेलरेशन ऊपर के डायरेक्शन में हो जा रहा है, और वो टी माइनस एम जी लिख सकते हैं, टी टेंशन ज्यादा हुआ एम जी कम हो गया, दोनों में से जो डिफरेंस बना वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, वो फोर्स एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, इसीलिए फोर्स m into a के बराबर हो गए, small m into a, अब क्योंकि दूसरा वो ऑब्जेक्ट है ना, इसलिए small m into a, तो दो इक्वेशन मिले हमको, क्या mg capital m into g minus t is equal to capital m into a पहला इक्वेशन, और दूसरा t minus mg is equal to m into a small m into a, दोनों को ऐड कर देते हैं, देखो mg minus t plus t minus mg is equal to capital m a plus small m a, a को बाहर निकाल दिए capital m plus small m, ब्रैकेट खोले तो टेंशन का क्रिएट जो क्रिएट हो रहा था वो दोनों टी टी कैंसिल हो गया, बचा क्या कैपिटल एम इंटू जी माइनस स्मॉल एम इंटू जी इज इक्वल टू ए इंटू एम प्लस स्मॉल एम, इधर से यहां से भी हम कैपिटल हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को बाहर निकाल दिए जी को बाहर, तो एम माइनस एम हो गया, और इससे हमको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी, कितने एक्सेलरेशन से एक ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा और दूसरा उतने ही एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा, ये हमें पता चल जाएगा, a इज इक्वल टू मिलेगा हमें g इंटू एम माइनस एम यानी कैपिटल m माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल m प्लस स्मॉल m, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई, एक्सेलरेशन पता चल गया। देखो किसी भी क्वेश्चन में आपको मास दिया रहेगा, एक का मास इतना है एक का मास इतना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू आपको पहले से पता है, या तो आप उसको अपने सहूलियत के लिए अपने इजी बनाने के लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लीजिए या 9.8 मीटर पर सेकंड तो होता ही है, तो आपको जो वेरिएबल है एक्सेलरेशन कितने एक्सेलरेशन से एक नीचे आएगा एक ऊपर आएगा वो पता चल जाएगा इसमें से। अब अगली बात है टेंशन की, कितना स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट हो रहा वो पता कर लेते हैं, तो स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट करने के लिए क्या करो, इक्वेशन वन जो कि था एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम इंटू ए, और इक्वेशन टू जो कि था टी माइनस एम जी इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू ए, उन दोनों को डिवाइड कर दो, तो एम जी माइनस टी यानी कैपिटल एम इंटू जी माइनस टी अपॉन t minus small m into g is equal to capital M, देखो पहला equation वाला ऊपर है m into a upon m into a, a a cancel क्या बचा capital M upon small m, और इसमें से mg minus t और t minus mg बचा, cross multiply कर देते हैं तो ये m इधर आएगा और ये वाला पूरा t minus mg इधर चला गया, multiply किए तो देखो m into capital M g minus tm, और यहां मिला m into t minus m into small m into g, ठीक। अब देखो ये वाला यहां पर क्या बात हो रही है, mmg और mmg बड़ा मास छोटा मास है ना, कैपिटल और स्मॉल m का ध्यान देना, जब मैं इसको यहां से यहां लाऊंगा ट्रांसपोज करूंगा यहां से यहां ले जाऊंगा तो प्लस बन जाएगा, देखो ये माइनस है पहले से, अरे माइनस है पहले से प्लस हो जाएगा, तो टू कैपिटल m स्मॉल m into g बन गया, और इधर क्या बचा देखो इधर का माइनस टी एम को मैं इधर ले गया तो वो प्लस टी एम बन गया, तो कैपिटल टी को बाहर ले आया मतलब टेंशन को बाहर निकाल दिया मैं, तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बच गया। अब ये टेंशन की वैल्यू निकालना है तो उसको अकेला छोड़ देता हूं मैं, मिल गया टू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम इंटू जी अपॉन एम प्लस एम, यानी कि टी की वैल्यू आई टू एम एम जी अपॉन एम प्लस एम, स्मॉल और कैपिटल को ध्यान देना, तो टेंशन की भी वैल्यू निकल जाएगी, टेंशन का भी फॉर्मूला निकल गया ऐसे वाले कंडीशन में, पुली वाली कंडीशन में, ठीक है। क्या बनेगा ऐसा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं, देखना है समझना है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है या तो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेट अस अंडरस्टैंड, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू शो इट ऑन द स्क्रीन, सो नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज ऑफ एनसीईआरटी, NCERT का क्वेश्चन है ये 5.16, बोलता है टू मासेस 8 kg एंड 12 kg आर कनेक्टेड एट टू एंड्स ऑफ द लाइट
इनएक्सटेंसिबल यानी जो एक्सटेंड नहीं हो सकते, है ना, खिंचाते नहीं है, ऐसे स्ट्रिंग से उनको बांधा गया है दोनों एंड से, एक 8 केजी का है और एक 12 केजी का है। तो एक 12 केजी वाला भारी है, 8 केजी वाला हल्का है। चलो, ओवर अ गोज ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, है ना, फ्रिक्शनलेस पुली से वायर जो थ्रेड स्ट्रिंग है वो गया हुआ है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मास, यानी ए कैलकुलेट करना है, टेंशन भी कैलकुलेट करो बोलता है स्ट्रिंग में, जब इन दो ऑब्जेक्ट को छोड़ा जाएगा। ऐसे छोड़ा जाएगा तो एक भारी वाला नीचे आएगा और हल्का वाला ऊपर जाएगा, कितने एक्सेलरेशन से जाएगा और कितना टेंशन क्रिएट होगा ये पता करना है। क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। बोलता है m1 is equal to 8 kg, m2 12 kg का, m2 भारी है ध्यान देना, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपने मन से ले लो 10 × 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये नहीं दिया मतलब 10 ले लो, 9.8 स्पेशली देता तो लेना रहता, ठीक है। ये डायग्राम पे ध्यान दो, ये डायग्राम पे ध्यान दो, क्या बोल रहे, एक पुली है उससे 12 kg और 8 kg के मासेस कनेक्टेड है एक स्ट्रिंग के थ्रू, इसको छोड़ते हैं वैसे ही एक्सेलरेशन चालू होता है, भारी वाला नीचे जाता है और हल्का वाला ऊपर, और टेंशन कितना क्रिएट होता है ये बताओ बोलता है, यानी एक्सेलरेशन और टेंशन बताओ बोलता है। आप इसे डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूले में जैसे था बिल्कुल उसकी वैल्यू पुट कर दो निकल जाएगा, मगर क्योंकि हम कॉन्सेप्ट को नया समझ रहे हैं इसलिए क्यों ना इसको हम लोग सॉल्व करें, क्यों ना इसको सॉल्व करें बिल्कुल जिस तरीके से डिराइव किए थे उसी तरीके से, और इस तरीके से ही सॉल्व करने की कोशिश शुरू शुरू में करना। अगर कभी आपको ऐसा लगे जब समय कम है, जैसे कि एमसीक्यू क्वेश्चन है, नीट JEE के क्वेश्चन आते हैं, उस समय समय कम रहता है, शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला याद रखे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट किए, आंसर ले आए। सबसे पहले तो हमको दोनों मासेस का वेट पता करना है, तो W1 is equal to M1 into G, 8 × 10, 80 न्यूटन हो गया, पहला 8 किलो का था, 10 मल्टीप्लाई कर दी, 80 न्यूटन फोर्स से वेट है उसका। W2 वेट दूसरे ऑब्जेक्ट का, M2 into G, 12 × 10, 120 न्यूटन। तो पहले ऑब्जेक्ट का मतलब जो हल्का वाला ऑब्जेक्ट है 8 केजी वाला, उसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम देखने के लिए फिर से यहां देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है। क्वेश्चन में दिया है एक पुली है सर, एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है दो ऑब्जेक्ट, एक है 12 केजी का और दूसरा है 8 केजी का, ठीक। इसका वेट होगा W 120 न्यूटन, कैसे निकाले 10 मल्टीप्लाई कर दो यार, इसका होगा 80 न्यूटन का वेट, W1 ये हुआ ना, W1 और ये W2, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है ये नीचे जाएगा भारी है भाई, और ये ऊपर जाएगा हल्का है, ये टेंशन क्रिएट होगा टी, इसमें भी टेंशन टी ही क्रिएट होगा क्योंकि दोनों एक ही स्ट्रिंग है। तो चलिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितने भी फोर्स काम कर रहे हैं उसको एक पॉइंट से एक्ट करते हुए दिखा दो। तो वो रहा पॉइंट ये, पहला मास हमारा M1, उसकी बात करते हैं। इसमें W1 काम कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, और टेंशन काम कर रहा है ऊपर की तरफ और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऊपर जा रहा है मतलब टेंशन बढ़ा है और W1 कम पड़ गया, फोर्स कम पड़, दोनों फोर्सेस की लड़ाई है। तो क्या हुआ, टी माइनस W1 इज इक्वल टू M1 इंटू A। देखो क्या बात बोला मैंने, टेंशन बढ़ा है इसके खुद के वेट से इसलिए वो ऊपर जा रहा है, तो यानी टेंशन बढ़ा है टी माइनस W1, है ना, टी माइनस W1 एक जगह में हमने देखा टी बड़ा है, तो टी कितना बड़ा है, टी माइनस W1 से पता कर लो, जितना भी बड़ा होगा ना वो उसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, वो फोर्स उसे एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, मतलब फोर्स एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला क्या, M1 into A, इस मास M1 के लिए M1 into A, टी माइनस W1 इज इक्वल टू M1 into A। ये कॉन्सेप्ट समझ लिए पूरा कॉन्सेप्ट सब सही हो जाएगा, पूरा आंसर सही हो जाएगा। ये हो गया पहला इक्वेशन हमारे लिए, वैल्यू पुट कर लेंगे ना यहाँ पे, इसमें से टी नहीं मालूम, ए नहीं मालूम, M1 मालूम है, W1 निकाल लिया ना 80 न्यूटन। चलो दूसरे की बात करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट W2 नीचे तरफ, ये देखो टेंशन T1 T2 नहीं लेना, T लेना क्योंकि सेम स्ट्रिंग है, और एक्सेलरेशन A,
एक्सलरेशन नीचे जा रहा है भारी है करके, इसका मतलब डब्ल्यू टू बड़ा है माइनस टी इज इक्वल टू डब्ल्यू टू, जितना भी बड़ा होगा उतना एक्सलरेशन में यूज हो जाएगा, मतलब एम टू इंटू ए। इसमें से डब्ल्यू टू पता है हमको 120 न्यूटन, टेंशन नहीं मालूम, एम टू की वैल्यू मालूम है 12 केजी, और एक्सलरेशन पता नहीं अभी। ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन टू। अब देखो इस इक्वेशन में आप इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू, सॉरी इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को ऐड कर दो। ऐड क्यों कर रहे हैं यहाँ पे भी देखो, देखो ये टी माइनस में है और यहाँ टी प्लस में है, दोनों को ऐड करेंगे तो टी टी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू और एम वन एम टू और ए बचेगा, और उसमें से हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। ऐड करके देखें, चलो ऐड करके देखें, यही ऐड करके देख ले, मैंने पीडीएफ में तो दिखाया है वैसे, यही पे ऐड करके देख लेते। चलो ऐड करते हैं इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को। पहले लिखता हूं मैं इक्वेशन वन को, टी माइनस डब्ल्यू वन टी माइनस टी माइनस डब्ल्यू वन टी माइनस डब्ल्यू वन, जो कि डब्ल्यू वन कितना था, डायरेक्ट वैल्यू रख दो, डायरेक्ट वैल्यू रख दो, कितना था भाई डब्ल्यू वन था 80 इज इक्वल टू एम वन की वैल्यू 8 ए, ठीक, ये इक्वेशन वन है ना, ये इक्वेशन वन हुआ ना, 80 था और ये 8 आ रहा था। अब इधर देखते हैं डब्ल्यू टू की वैल्यू कितनी आ रही थी, 120 माइनस टी इज इक्वल टू 12 ए। ये देखो एम टू की वैल्यू कितनी थी, 12 के जी, इसलिए 12 ए। चलो दोनों को ऐड कर रहे हैं हम लोग, एक साथ रख दिए, ऐड करते हैं ये 120 माइनस टी को, मैं क्या थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं, अच्छे से नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, अरे अच्छे से लिखने से हमारे लिए आसान बन जाएगा। देखो माइनस टी प्लस 120 लिख सकता हूँ, अरे 120 माइनस टी को मैं माइनस टी प्लस 20 लिख सकता, 120 लिख सकता हूँ ना, लिख दिया। देखो ऐड कर रहा हूँ तो ये ऐड कर रहा हूँ तो ये माइनस होंगे, ये दोनों माइनस होंगे, कैंसिल होके जीरो मिलेगा। 120 माइनस 80, अरे माइनस 80 प्लस 120 कितना होगा, प्लस 40, और यहाँ पे दोनों प्लस होंगे, ऐड कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये हो जाएगा 20a, यानी कि 20a इज इक्वल टू 40, तो a कितना हो जाएगा 40 अपॉन 20, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। एक्सेलरेशन पूछा था, एक्सेलरेशन पता चल गया, एक्सेलरेशन पता चल गया, ये हमारा एक्सेलरेशन पता चल गया। अब बची बात टेंशन पता करने की, अब बची बात टेंशन पता करने की। टेंशन पता करने के लिए आप क्या करो, एक्सेलरेशन की वैल्यू को, एक्सेलरेशन की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो। देखो W1 पता है हमें, चलो यहाँ पे पुट कर देते हैं, चलो यहाँ पे इक्वेशन वन या इक्वेशन टू, वॉट एवर इज इजी फॉर यू डू दैट। ये इक्वेशन वन है ना, यहाँ पे टेंशन की वैल्यू नहीं मालूम, टी माइनस डब्ल्यू यानी डब्ल्यू वन 80 था इज इक्वल टू, ये था हमारा 8, m1 की वैल्यू 8 थी और एक्सेलरेशन अभी अभी निकाल के बैठ गए 2 के बराबर, यानी 2, ठीक, ये है 2, 8 2 जा 16, तो t माइनस 80 इज इक्वल टू 16, यानी कि t की वैल्यू हो जानी है t इज इक्वल टू 16 प्लस 80 यानी कि 96 न्यूटन, 96 न्यूटन, और यही चीज मैंने पीडीएफ में भी दिखाई। देखिए कितना इजी हुआ, कॉन्सेप्ट के थ्रू करो, फॉर्मूला भी है, फॉर्मूले तब काम आएंगे जब व्हेन यू विल ट्राई टू सॉल्व इट एट वेरी लेस टाइम। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना, तो ये कॉन्सेप्ट रिवाइज भी होते रहेगा। देखिए हम लोग किए क्या, यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही किए, हमने क्या किया, सबसे पहले W1 W2 निकाल लिए, दोनों ऑब्जेक्ट का वेट निकाल लिए, उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम में T माइनस W1 ये निकल गया, है ना, एक इक्वेशन बना लिए, फ्री बॉडी डायग्राम सेकंड का बनाए W2 माइनस T इज इक्वल टू M2 इंटू A, उसमें से 120 माइनस T इज इक्वल टू 12 A, या फिर 120 आप पीछे रख लो माइनस T प्लस 120, क्यों किया, क्योंकि ऐड करना है, ऐड किया 40 इज इक्वल टू 20 A आया, अरे टी टी कैंसल हो गया, माइनस 80 अपॉन 120 और ये मिल गया 8a प्लस 12a 20a,
जिसमें से a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन मिल गया। अब मैं यही वैल्यू को पुट किया इक्वेशन 1 में, t माइनस 80 इज इक्वल टू 8a में a की वैल्यू 2 रख दिया, 16 बना वो, इधर ले गया तो 96 न्यूटन का टेंशन मिल गया और हमारा आंसर हो गया एक्सेलरेशन ऑफ मास इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 96 न्यूटन। बोलो समझ में आया है, आसान बनेंगे। एक क्वेश्चन मैं असाइनमेंट में ऐसे ही दूंगा, एक क्वेश्चन मैं असाइनमेंट का ऐसे ही दूंगा, बस सेम टाइप के क्वेश्चन बनते जाते हैं। बस हम लोग को एक क्वेश्चन दिया हुआ है इन द एनसीईआरटी बुक जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 5.32। अ ब्लॉक ऑफ मास 25 केजी इज रेज्ड बाय 50 केजी मैन, 50 किलो का एक आदमी है जो 25 केजी के एक ऑब्जेक्ट को खींच रहा है। देखते हैं डायग्राम में कैसे खींच रहा है, इन टू डिफरेंट वेज, दो तरीके से खींच रहा है, देखते हैं क्या। देखो सबसे पहले तो क्या कर रहा है, रस्सी से डायरेक्ट खींच रहा, रस्सी से डायरेक्ट खींच रहा, और दूसरा में एक पुली, एक गिर्री लगाकर उसमें से स्ट्रिंग को घुमाकर उस रस्सी को खींच रहा। तो क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द एक्शन ऑन द फ्लोर बाय द मास बाय द मैन इन टू केसेस। अब देखो वो जहां पर खड़ा है ना, वो एक जमीन है, वो एक प्लेटफॉर्म है, वहां पर वो कितना एक्शन कर रहा है, एक्शन मतलब कितना फोर्स लगा रहा है उस जमीन पर, वो पता करो, उस प्लेटफॉर्म पर कितना फोर्स लगा रहा है। अरे किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, वो प्लेटफॉर्म टूट सकता है अगर ज्यादा फोर्स होगा तो, वो ज्यादा वजन होने के कारण टूट सकता है ना, है ना, ज्यादा वजन यानी ज्यादा फोर्स में टूट सकता है, वजन भी एक प्रकार का फोर्स है ना, वजन मतलब वेट। ओके तो पूछ रहा है, आगे बोलता है कितना एक्शन फोर्स लगा रहा है, कितना एक्शन, एक्शन से मत समझ जाना क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है क्या, नहीं फोर्स के बारे में पूछ रहा है, ठीक। और बोलता है इफ द फ्लोर यील्ड्स, यील्ड्स का मतलब टूट जाना, टू अ नॉर्मल फोर्स ऑफ 700 न्यूटन, 700 न्यूटन, बोलता है कि 700 न्यूटन के आगे में वो टूट जाएगा फ्लोर, ये वाला देखो यहां पे, ये देखो ये वाला जो फ्लोर है, ये प्लेटफॉर्म है, वो टूट जाएगा। तो बोलता है व्हिच मोड शुड बी द मैन, शुड द मैन अडॉप्ट टू लिफ्ट द ब्लॉक विदाउट फ्लोर यील्डिंग, मतलब तो कौन से तरीके से, इन दोनों तरीके में से कौन से तरीके से इस आदमी को उस ऑब्जेक्ट को खींचना चाहिए ताकि ये प्लेटफॉर्म ना टूटे, ये प्लेटफॉर्म यील्ड मत हो, यील्ड मतलब होता है टूट जाना या फिर अपने वेट से ज्यादा हो जाने के कारण ब्रेक हो जाना। तो चलो सबसे पहले कैसे खींच रहा है, देखो 25 केजी के ऑब्जेक्ट को ऊपर ऐसे खींच रहा, उठा के खींच रहा है लिफ्ट करके, और दूसरे में क्या कर रहा है, एक पुली के थ्रू नीचे फोर्स लगा रहा है। तो चलो सबसे पहली बात कॉन्सेप्ट को समझने से पहले, गिवन क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 25 केजी, 25 मास ऑफ मैन 50 केजी, एन मैक्स ये नॉर्मल मैक्सिमम नॉर्मल फोर्स विच द फ्लोर कैन सस्टेन, मतलब कितने नॉर्मल फोर्स में वो फ्लोर सही सलामत रहेगा, वो 700 न्यूटन 700 न्यूटन दिया है, इसीलिए मैंने उसको क्या बोल दिया है, एन मैक्स नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को एन से शो करते हैं, वो मैक्सिमम 700 न्यूटन हो सकते हैं। तो पता करना है कि कितना एफ फ्लोर, यानी कि कितना फ्लोर में फोर्स लग रहा है। अरे फ्लोर कहाँ है, ये है वो प्लेटफॉर्म जहां पे ये आदमी खड़ा है, ये है वो प्लेटफॉर्म, दोनों तरीके में कितना फ्लोर में फोर्स लग रहा है। तो सबसे पहला केस लेते हैं कौन सा वाला, ये वाला, वो जिसमें सिर्फ डायरेक्ट उसको खींच रहा है, डायरेक्ट खींच रहा है। चलो देखो व्हेन द मैन लिफ्ट्स द ब्लॉक विदाउट पुली, किसी पुली के बिना वो खींच रहा है डायरेक्ट। तो पहली समझने वाली बात है, अगर वो पुली के बिना उस ऑब्जेक्ट को खींच रहा है तो क्या हो रहा है, उस फ्लोर पे कितना वजन काम कर रहा है। तो मैन लिफ्ट्स द ब्लॉक, हैज द फोर्स ऑन द फ्लोर, उस फ्लोर जिस पे वो खड़ा है उसमें फ्लोर पे कौन सा फोर्स काम करेगा, खुद उस मैन का वेट, अरे उस खुद आदमी का वजन, वेट काम करेगा फोर्स, वेट एक प्रकार का फोर्स होता है, और दूसरा जो ब्लॉक है जिसको वो उठा के खींच रहा है उसका भी वेट, अरे वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, वो कहां से खींच रहा है, उसको ऊपर से खींच रहा है, ये दोनों फोर्स काम करेंगे, वेट फोर्स काम करेंगे। तो एफ यानी फोर्स ऑन द फ्लोर इन द फर्स्ट केस एफ एफ वन इज इक्वल टू एम नॉट या एम जीरो इंटू जी, ऑब्जेक्ट का वेट, कैपिटल एम इंटू जी आदमी का वेट, दोनों को 25 into 10, 50 into 10, दोनों प्लस कर दो, कितना हुआ? 250 plus 500, 750 न्यूटन, 750 न्यूटन, 750 न्यूटन का फोर्स उस प्लेटफॉर्म में लगेगा, ठीक है, प्लेटफॉर्म में 750 न्यूटन का फोर्स लगेगा।
बाद में एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस वाला क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। फिर केस टू पे बात बनती है, केस टू पे बात बनती है, क्या बोल रहा है, जब उसको पुली से वो नीचे खींच रहा है, व्हेन मैन लिफ्ट द ब्लॉक विथ पुली, अब उस ऑब्जेक्ट को पुली के थ्रू खींच रहा है, तो पुली के थ्रू खींच रहा है, तो देखो क्या बोलता है, मैन अप्लाइज द फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, उस क्या कर रहा है, उसको खींच रहा है, तनाव पैदा कर रहा है उस स्ट्रिंग में, जिसके कारण टेंशन क्रिएट हो रहा है और वो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, वो ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ठीक है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। एज अ रिएक्शन मैन इज अप्लाइड विथ टेंशन फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब उस आदमी की बात करते हैं, उस आदमी पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, तो चलो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, फिर से थोड़ा सा यहाँ पे पीडीएफ से बाहर निकल के यहाँ ध्यान दो, पीडीएफ से बाहर निकलते हैं, ये निकले हम लोग पीडीएफ से बाहर। अब देखो बात करते हैं उस आदमी की, उस आदमी को एक पॉइंट की तरह इमेजिन करते हैं, ये रहा वो आदमी पॉइंट की तरह, बड़ा बनाओ, ये रहा बड़ा सा पॉइंट की तरह, सर बड़ा सा आदमी 50 किलो का, उसका खुद का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में डब्लू, खुद का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैपिटल डब्लू, कैपिटल डब्लू, ठीक, उस आदमी का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जब वो उस स्ट्रिंग को खींच रहा है, उस रस्सी को खींच रहा है, तो उसमें फोर्स लग रहा है टेंशन का, उस आदमी पे फोर्स लग रहा है टेंशन का, सर स्ट्रिंग में लगता है टेंशन, तो अरे टेंशन स्ट्रिंग में लगता है तो उस आदमी ने तो स्ट्रिंग को पकड़ के रखा हुआ है, तो टेंशन क्रिएट हो रहा होगा, तनाव, चलो टी, ठीक है टी, ठीक है। अब देखो, अब देखो, अब फोर्स कितने काम कर रहे हैं, अब फ्लोर में फोर्स कितना काम कर रहा है, फ्लोर में फोर्स कैसे काम कर रहा है सर, अरे फ्लोर में ही तो खड़ा है ये आदमी, अरे वो आदमी कहाँ खड़ा था, अरे वो आदमी कहाँ खड़ा था, ऐसा खड़ा था, ऐसा खड़ा था और स्ट्रिंग से खींच रहा था, ठीक, एक्सेलरेशन की बात अभी नहीं करेंगे, क्यों नहीं कर रहे हैं सर एक्सेलरेशन की बात, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन से रिलेटेड बात नहीं बताया, बस वो खींचना है, कितना फोर्स लग रहा है, तो देखो इस पे फ्लोर पे कितना फोर्स लगेगा, फ्लोर पे फोर्स उतना ही लगेगा जितना उसका वेट W माइनस टी होगा, अरे ऊपर में भी डायरेक्शन में फोर्स उसको खींच रहा है ना, तो W माइनस टी इस पे लगेगा और उतना ही नॉर्मल फोर्स क्रिएट करेगा, उतना ही नॉर्मल फोर्स क्रिएट करेगा ये फ्लोर, तो फ्लोर पे कितना फोर्स लग रहा है सेकंड कंडीशन में, सेकंड केस में FF2 बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा, W माइनस टी, ठीक, W माइनस टी, W क्या होगा, उसका खुद का वेट जो कि कितना था सर, 50 × 10 यानी 500, और टेंशन कितना क्रिएट हो रहा है, तो टेंशन क्रिएट करने का टेंशन ना लेना, क्योंकि ये टेंशन उतना ही क्रिएट होगा जितना उस तरफ से ऑब्जेक्ट से टेंशन क्रिएट हो रहा होगा, और उस तरफ के ऑब्जेक्ट में कितना टेंशन क्रिएट हो रहा होगा वो हमको पता चल सकता है, अरे ये टेंशन उतना ही क्रिएट होगा जिधर उधर के ऑब्जेक्ट में टेंशन क्रिएट हो रहा होगा, उधर की रस्सी में क्रिएट हो रहा होगा, याद आ रहा है, याद आ रहा है, ऐसा था पुली, ये गया प्लेटफॉर्म में, यहां पर ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ था, दिख रहा है, दिख रहा है ऐसा ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो यहां पे जितना टेंशन क्रिएट हो रहा होगा उतना ही टेंशन यहाँ क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है, यहाँ के टेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे सर, हम लोग इसको अभी एक्सेलरेशन के बारे में नहीं सोच रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दिया नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, जितना इसका वेट होगा उतना ही टेंशन क्रिएट हो रहा है बोल देते हैं, तो टी इज इक्वल टू स्मॉल एम या एम ऑब्जेक्ट इंटू जी बोल देते हैं, तो उतना ही यहाँ पे लिख सकता हूँ, स्मॉल एम इंटू जी यानी कि 500 माइनस 25 × 10, 25 × 10 यानी कि 250, तो 250, 500 माइनस 250, 250 न्यूटन मिलेगा, 250 न्यूटन मिलेगा, यानी कि फ्लोर पे इतना ही फोर्स काम कर रहा है 250 न्यूटन का, पहले कंडीशन में कितना मिला था, पहले कंडीशन में 750 का मिला था जब वो उसी को खींच रहा था अपने हाथों से, और दूसरे कंडीशन में क्या हुआ, वो जब उसको एक पुली के थ्रू खींच रहा है, तो क्योंकि टेंशन ऊपर तरफ है और वेट नीचे की तरफ, तो फ्लोर की बात कर रहे हैं हम लोग, फ्लोर पे कितना फोर्स काम कर रहा, तो वो हो जाएगा कैंसल, थोड़ा सा कैंसल नहीं होगा, कम हो जाएगा क्योंकि टी ऊपर काम कर रहा है वेट नीचे, तो 500 माइनस 250 मिला हमको, मिला हमको 250 न्यूटन का। तो देखो यही चीज हमने यहाँ पे सॉल्व की है, क्या लिखते हैं हम लोग पीडीएफ में, बोलते हैं मैन अप्लाइज, तो FF2 हमको मिला वेट ऑफ मैन माइनस टेंशन फोर्स, देखो इस पॉइंट से मैन यहाँ पे है, टी ऊपर डब्ल्यू नीचे, तो कैपिटल एम इंटू जी,
ये हो गया वेट ऑफ मैन, और स्मॉल m मतलब m जीरो इंटू जी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया 25 इंटू 10, 500 माइनस 250, 250 न्यूटन। तो मैन शुड लिफ्ट, अब देखो समझने की बात है कि क्वेश्चन में दिया था एल मैक्स मतलब कितने पे वो फ्लोर टूट जाएगा, नॉर्मल मैक्सिमम 750 रहना चाहिए, 700 न्यूटन 700 न्यूटन, मगर पहले कंडीशन में 750 न्यूटन बन जा रहा था, इसका मतलब इसको इतने फोर्स को वो फ्लोर नहीं सह पाता और वो ब्रेक हो जाता, मगर दूसरे में कम हो जा रहा है। तो क्या होना चाहिए, क्या बोल रहा था क्वेश्चन कि कौन सा वाला अडॉप्ट करना चाहिए, कौन से वाला तरीके से मैन को पुली से खींचना चाहिए कि डायरेक्ट खींचना चाहिए, तो मैन शुड लिफ्ट द ब्लॉक यूजिंग पुली टू अवॉइड फ्लोर यील्डिंग, फ्लोर यील्डिंग मतलब फ्लोर को टूटने या ब्रेक होने से बचाने के लिए पुली से खींचना चाहिए उसको। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, क्या इसका सॉल्यूशन समझ में आया? अगर आ गया है तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन बना सकते हैं, अगर नहीं आया तो प्लीज प्लीज रिवर्स करें और फिर से देखें। असाइनमेंट पूछते हैं, अब एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें, इसका आंसर मुझे आप कमेंट में बताएं या फिर आप इसे मुझे मैसेज करें। क्वेश्चन पूछता है, दो मासेस हैं 6 kg और 4 kg के, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, फ्रिक्शनलेस पुली है, इनएक्सटेंसिबल है, स्ट्रेच नहीं होता वो स्ट्रिंग, तो बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा एक अगर जब उसको रिलीज करेंगे तो, और कितना टेंशन क्रिएट होगा, एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द मासेस आर रिलीज्ड, जी की वैल्यू को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखना। आई एम गोइंग टू सेंड यू दिस पीडीएफ एज वेल एज ट्राई टू सॉल्व मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द रेफरेंस बुक, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इजी, ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इट, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, एक्सेलरेशन किधर होगा, यही चीज को समझना है आपको। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, दिस इज इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।